सपोज तुमने एक सीन क्रिएट किया है, नॉट इन रियल लाइफ बट इन ए सिनेमैटिक वे. अब तुम ट्राई करोगे म्यूजिक, मे बी लाइक दिस. Or maybe like this. देखा कैसे सेम शॉट्स बट म्यूजिक चेंज होने पे एंटायर मूड एंड वाइब चेंज हो रहा है ना. द सेकेंड मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस इज ये दोनों ही बहुत यूनिक लग रहा है सुनने में, है ना. ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं सुना हुआ है. एंड द फर्स्ट मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज दीज आर कंप्लीटली फ्री. म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो कोई भी वीडियो हो, टॉकिंग हेड हो, सिनेमैटिक स्टाइल सीक्वेंस हो या फिर व्लॉगिंग, कोई भी वीडियो हो, उसको मजेदार या तो बर्बाद कर सकता है. जो तुम म्यूजिक सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ही तुम्हारा एंटायर वीडियो का फील एंड वाइब जाएगा, फ्लो जाएगा मेनली. और मैंने नोटिस किया है जो बिगिनर क्रिएटर्स होते हैं उनके म्यूजिक सिलेक्शन, पहली बात तो सिलेक्शन गलत होता है, ठीक है, फील के हिसाब से, वाइब के हिसाब से म्यूजिक नहीं ले पाते. और सेकेंड थिंग, बहुत कॉमन लगता है सुनने में, ऐसा लगता है कि सुना हुआ है पहले. और बंदे क्या ही करे, सारे यूनिक कॉपीराइट फ्री साउंड्स के सामने तो टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, अनलेस यू नो एग्जैक्टली हाउ एंड वेयर टू सर्च योर म्यूजिक. देखो YouTube लाइब्रेरी पे तुम्हें कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन उनका ना वो बहुत छोटा है कलेक्शन, तो YouTube लाइब्रेरी इज योर लास्ट ऑप्शन. अगर स्पेसिफिक मूड के हिसाब से सर्च करना हो ना, तो मैं ये करता हूँ, YouTube पे जाता हूँ और जो स्पेसिफिक मूड या वाइब मुझे चाहिए, सिर्फ वही चीज़ को नहीं, मैं उसके आसपास के टर्म्स के हिसाब से सर्च करता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक डार्क सिनेमैटिक म्यूजिक के लिए तुम इंटेंस, मूडी, ड्रामाटिक, ड्रीमी, मिस्टिक वाइब्स ये सब सर्च कर सकते हो. कुछ इंस्ट्रूमेंटल सर्च कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ही सर्च कर सकते हो, जैसे इंटेंस पियानो म्यूजिक कॉपीराइट फ्री या फिर मूडी वायलिन ट्यून कॉपीराइट फ्री. सिर्फ एक टर्म या एक फील के साथ अटैच मत रहना, ठीक है. आसपास देखो, बहुत मज़ेदार चीज़ें मिल सकता है, लेकिन ये टेक्निक रिलेशनशिप में अप्लाई मत करना. कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स है लाइक NCS ऑडियो लाइब्रेरी, जहाँ पे तुम्हें वाइड वैरायटी ऑफ सिनेमैटिक या फिर कोई भी फील का कॉपीराइट फ्री साउंड्स मिल जाएगा. और जो औकात के बाहर वाले प्रोफेशनल वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि एपिडेमिक साउंड, म्यूजिक बेड, ऐसा सेम वेबसाइट है NCS का. यहाँ पे तुम अपने फील के हिसाब से सर्च कर सकते हो, ऑप्शंस मिलेगा तुम्हें बहुत सारे मूड्स के हिसाब से. बट इसका सबसे बढ़िया बात यही है कि तुम कोई भी सॉन्ग्स का अलग अलग करके सिर्फ वॉइस वाला पार्ट, मतलब वॉइस ओवर, या फिर सिर्फ स्टेम्स, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल होता है, बीट्स, बेस, ट्यून्स डाउनलोड कर सकते हो, जो तुम्हें एडिटिंग पर बहुत क्रिएटिव फ्रीडम देगा म्यूजिक को एज ए क्रिएटिवली यूज करने में. योलो ट्यून्स भी एक सिमिलर साइट है NCS की तरह. और साउंड क्लाउड इज अनदर ग्रेट ऑप्शन. यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल टैलेंटेड आर्टिस्ट का यूनिक क्रिएशन मिल सकता है. बट इस पे सारे सॉन्ग्स और म्यूजिक फ्री नहीं है. सो जस्ट सर्च फॉर इट, सर्च फॉर कॉपीराइट फ्री वंस, देन यूज. इरफान जुनेजो ने एक बहुत सही चीज किया है, उन्होंने अपने साउंड क्लाउड प्रोफाइल में एक लाइक सेक्शन रखा है जहाँ पे उनका सारे जो गाने और म्यूजिक्स लाइक्ड है, दोज आर कॉपीराइट फ्री एंड यूनिक एंड सिनेमैटिक. मैं भी सिमिलर करूंगा, साउंड क्लाउड में एक सिनेमैटिक सेक्शन, मेरा जो लाइक सेक्शन होगा उस पे तुम्हें सारे सिनेमैटिक कॉपीराइट फ्री गानों का ऑप्शंस मिल जाएगा और वो अपडेट होता रहेगा. जब हो जाएगा आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बट कुछ चीज़ों में ना लक काम आ जाता है. नहीं, मैं गर्लफ्रेंड की घर खाली होने की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सम म्यूजिक्स, जैसा मैंने इस ट्रैवल सीक्वेंस में यूज़ किया है. जिस सॉन्ग को दिमाग में रख के मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने एग्जैक्टली वही सॉन्ग यूज़ किया है. इट इज़ बोन्स बाय लो रोअर. मुझे पता था ऑलरेडी कि दे आर ए बिग म्यूजिक बैंड, तो मुझे कॉपीराइट लगना ही है. बट मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी गाने का फील चाहिए था, सो आई यूज्ड इट एंड गेस व्हाट, सेटिस्फेक्शन और लक दोनों काम कर गया, नो कॉपीराइट इश्यूज. तो थोड़ा लक भी आजमा के देख लेना, पहले सॉन्ग्स को डाउनलोड करके उसको प्राइवेटली यूट्यूब पे अपलोड करके, क्या पता 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए. सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, क्या पता कॉपीराइट फ्री भी निकले. और अगर ना भी निकले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सारा टेक्निक्स बताया है काफ़ी है. और अगर काफ़ी ना लग रहा है
तो सब्सक्राइब करके देखो एक बार, बहुत सारे मज़ेदार चीज़ आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि इस टाइप के म्यूजिक्स को कैसे क्रिएटिवली यूज़ किया जाए उसका भी वीडियो आ सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, चूज़ करने के टाइम बहुत ध्यान से सोच समझ के चूज़ करना, क्योंकि अगर फील और वाइब के साथ मैच नहीं हुआ ना तो बाद में जाके गड़बड़ हो सकता है, चाहे वो म्यूजिक्स हो या फिर लाइफ पार्टनर।